कुरुक्षेत्र की 5 मुख्य सड़कों का निर्माण कार्य बंद पड़ा है, जिसको लेकर कुरुक्षेत्र के लोगों में ये जिज्ञासा है कि आखिर ये काम क्यों बंद पड़ा है। क्या आचार संहिता के चलते इन सड़कों के निर्माण कार्य को बंद किया गया है या फिर कोई और वजह है। तस्वीरों में नजर आ रही ये सभी वो सड़कें हैं जिनके निर्माण कार्य का शुभारंभ बीती 11 अगस्त दिन रविवार को राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने अपने कर कमलों से किया था। बाकायदा उस दिन सेक्टर 8 के कम्युनिटी सेंटर में एक भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में कई सेक्टरों के निवासियों ने शिरकत की थी। इस दौरान राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने लोगों को कई सड़कों के नवीनीकरण कार्य की सौगात भी दी थी, ताकि इन सड़कों का नवीनीकरण होने के साथ साथ प्रतिदिन इन सड़कों से गुजरने वाले हजारों लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि शहर की ये मुख्य 5 सड़कें वो सड़कें हैं जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में कुरुक्षेत्र वासियों का आवागमन होता है। ऐसे में अगर इन सड़कों का निर्माण कार्य रुकता है तो न केवल कुरुक्षेत्र वासियों की परेशानी बढ़ सकती है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी सड़कें ऐसी हैं जिनका निर्माण कार्य लगभग 6 से 7 सालों के बाद होने जा रहा है। ऐसे में कुरुक्षेत्र वासियों की ये चिंता उचित भी है कि अगर इन सड़कों का निर्माण कार्य किसी भी कारण से रुकता है तो ये कुरुक्षेत्र के विकास और लोगों की सुविधा में सबसे बड़ी रुकावट होगी। गौरतलब है कि राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने बीती 11 अगस्त को कई सड़कों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया था। इनमें सर्किट हाउस चौक से जेसीआई चौक तक केडीबी रोड के बकाया कार्य का उन्होंने शुभारंभ किया था। इसके साथ साथ आयुर्वेदिक चौक से सर्किट हाउस चौक तक के सड़क निर्माण कार्य का भी उन्होंने शुभारंभ किया था। इसी प्रकार सेक्टर 4 डिवाइडिंग रोड प्वाइंट से आयुर्वेदिक कॉलेज से सुंदरपुर वाया सेक्टर 4 व 8 सामुदायिक केंद्र विजडम वर्ल्ड स्कूल तक, उमरी रोड से मकान नंबर 1 से 30 पावर ग्रिड कॉलोनी तक सड़क के सौंदर्यीकरण कार्य व केडीबी रोड से एयरफोर्स चौक सेक्टर 4 व 8 के डिवाइडिंग रोड निर्माण कार्य का शुभारंभ राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने किया था। उन्होंने उस दिन कम्युनिटी सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से ये भी कहा था कि इन विकास कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष फोकस रखा जाएगा। 12 अगस्त से इन सड़कों का निर्माण कार्यों की युद्ध स्तर पर शुरुआत भी कर दी गई, जिसके चलते सेक्टर वासियों, विजडम स्कूल, आयुष यूनिवर्सिटी और अस्पताल में प्रतिदिन आने जाने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों को काफी राहत मिली थी कि चलो अब जल्दी ही इन सड़कों का नवीनीकरण हो जाएगा, जिसके बाद इन सड़कों पर आवागमन की सुविधा पहले से कई गुना बेहतर नजर आएगी। अब एक-एक बंद हुए इस कार्य ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। इस बारे में जब हमने शहर वासियों और इस कार्य को कर रहे ठेकेदार से बात की तो आप खुद ही सुनिए उन्होंने क्या कहा। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? गुरप्रीत सिंह। सर, कुरुक्षेत्र की सड़कों पे अक्सर आप लोग घूमते हो, कैसा सड़कों की स्थिति कैसी है सर? सड़कों की स्थिति तो दुनिया भर की स्थिति ऐसी है सर। क्या है बताना, क्या है? क्या कह रहे हो जी? मैं कहता हूँ दुनिया भर के खड्डे बने पड़े हैं, दिखाना है क्या, बताना क्या है? सब सामने ही आप कैमरा घुमाना, यही से कुरुक्षेत्र से। मैं यूपी से हूँ भाई साहब। यूपी से यहाँ रहते हो क्या? कुरुक्षेत्र में। कैसी सड़कें हैं कुरुक्षेत्र की? कुरुक्षेत्र की फिलहाल जो सड़कें, ज्यादातर स्थिति यही है कि टूटी हुई पड़ी, ज्यादातर टूटी हुई है। कहाँ से आए हो? ये मैं भाई चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से कैसी लगी सड़कें कुरुक्षेत्र की? भाई ये जहाज भी चल सकता है। ऐसी जहाज भी चल सकता है? अच्छा, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? इतने गड्ढे जो है चंडीगढ़ में भी ऐसा ही माहौल है क्या? चंडीगढ़ में तो बढ़िया माहौल है भाई, हर रोड। आप एक बार जाके देखिए ना चंडीगढ़ और यहाँ का माहौल, कंपैरिजन करिए जी। इस भाई से आप चंडीगढ़ से आए हो? ये भाई चंडीगढ़ अच्छी नहीं लगी सड़कें? ये तो देख ले भाई, सड़क बुरा हाल है, बिल्कुल बुरा हाल है। पता नहीं सरकार क्या कर रही है। का विकास होना चाहिए, सरकारें बदलनी चाहिए या वही दोबारा? सरकार तो ठीक है जी, बीजेपी बदलनी नहीं चाहिए। वो सर ऐसा है कि इसमें जाने लायक नहीं है, ये पिछले 10 साल से यही हाल है। आप सेक्टर के तमाम सेक्टर के अंदर जितनी भी सड़कें देखेंगे, सिर्फ इस हाईवे को छोड़ के बीच वाली हो, सभी जगह का हाल यही है, टूटी हुई है, बिल्कुल टूटी हुई सड़कें हैं। शहर में कुछ दिन पहले विधायक सुभाष सुधा जी ने कुछ सड़कों का मुहूर्त किया था। 5 शहर की मुख्य सड़कें हैं, चाहे वो विजडम स्कूल के सामने वाली सड़क हो, यूनिवर्सिटी, आयुष यूनिवर्सिटी के सामने वाली सड़क हो, महिला थाने के सामने वाली सड़क हो, सर्किट हाउस के सामने वाली सड़क हो, और 3 और 4 का शायद डिवाइडर है। काम रुका हुआ है, पूरी सड़कें तो खोद दी गई हैं और माल भी इकट्ठा पड़ा है, लेकिन काम रुका पड़ा है, जिसके कारण लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। क्या वजह है मतलब काम रुकने की? आचार संहिता है या कोई और कारण है? ऐसा है, ये जो भी सड़कें पिछले हफ्ते आपने देखा हुआ, जिस समय जिस दिन इन सड़कों का मुहूर्त हुआ, उस दिन भगवान की दया से इंद्र देवता काफ़ी समय बाद कुरुक्षेत्र में बरसे थे जम के, तो बारिश होने के कारण वो मुहूर्त भी अच्छे से नहीं हो पाए थे। परंतु ऐसा कोई इशू नहीं है कि सड़कें
उसके बाद कंटिन्यू काम चला है, परंतु आज रक्षाबंधन का त्यौहार होने के कारण आपको पता है त्यौहार का समय होता है तो ये हमारी कुछ लेबर जो होती है इन त्यौहारों का थोड़ा कैसे मनोरंजन करती है, तो उस वजह से ऐसी कोई अड़चन है नहीं कि काम बंद हो। ये थोड़ी आज एक छुट्टी ली गई है जिसमें हमारे बकायदा सारे सुपरवाइज़र भी हमारा स्टाफ भी है, ये तो चलो आज हमारा थोड़ा कोई काम कार्य अपने ऑफिस के कार्यालय होते हैं हमारे अकाउंटेंट साहब करना जी बैठे थे आज हम ये बैठे हैं, तो काम ऐसा कोई नहीं निर्वाह रूप से चलेगा। आचार संहिता का इस काम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ये तो सरकारी एक प्रबंधन, आचार संहिता तो हर चीज़ का एक समय होता है, इलेक्शन होंगे अपने समय पर होंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। कि ये सड़कें कितने टाइम बाद बन रही है जी? ये सड़कें लगभग ये 2010 में जितनी भी ये सड़कें हैं ये लगभग आपकी जिंगल सिटी लगा लो या आपकी सेक्टर 4-8 की डिवाइडिंग लगा लो, महिला थाना लगा लो, ये लगभग ऐसा था 2016 से पहले इसको हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा देखरेख में बनती थी सड़कें, परंतु 2016-17 के अंदर मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा इतना, तो ये नगर परिषद थाने सर को स्थानांतरित की गई थी, तो उसमें कुछ विभाग की उल्टा पलटी होने की वजह से, क्योंकि तो उसके बाद हुड्डा में की भी जीर्ण शीर्ण अवस्था होने के कारण 5-7 साल पहले भी सड़कों की हालत काफ़ी दयनीय थी, परंतु नगर परिषद की में आने के बाद काफ़ी सेक्टरों में ऐसी बात नहीं है, विकास भी हुआ है। पहले आप अक्सर देखते थे कि आज से 10-12 साल पहले ये सेक्टर की सड़कें काली तार कोल की होती थी, जिन में अक्सर लोग पानी खिंडाते थे, तो आए दिन कोई ना कोई इशू बना सकता था, आज पैच हो गया है। अब देखो ऑब्वियसली है कहीं पानी खड़ा होएगा तो सड़क अल्टीमेटली टूटेगी। अभी हमने जिंदल सिटी की 2 सड़कें बनाई थी, जो एक सेक्टर पावर ग्रिड को लेकर अपना उस सड़क को लेकर भी बड़ी शिकायत आ रही थी कि सड़क बड़ी जल्दी 6 महीने में टूट गई। वो सड़क टूटने का असली मुख्य वजह क्या थी जी कि 2 साल जो हमारे कोरोना में थे, उससे पहले के एस्टिमेट था, वो क्या होता है सड़क का एक लाइफ टाइम होता है 5 साल 6 साल 7 साल। तो एक्चुअली क्या है जो हुड्डा का उसके अंदर एक नाला बना हुआ था जो तकरीबन मेरे हिसाब से 2008-09 के करीबन बना था, तो नाला बिल्कुल डेड अवस्था में था। अब क्या होता है ना जी, कोई एक सामान आप दूसरी जगह उठा के रखोगे एडजस्ट होने में समय लगता है, तो नए अधिकारी थे, अब पुराना समस्याएं काफ़ी पुरानी थी, तो उनको धीरे धीरे जैसे जैसे समस्या संज्ञान में, एक्चुअली क्या होता है ना जब ये सेक्टर डेवलप होते थे तब वहाँ कोई प्लाट नहीं होता था, कोई सेक्टरवासी नहीं होते थे, तब ये डेवलपमेंट हो जाती थी। अभी आपने पीछे देखा होगा कि हमारा बरसाती पानी का काम भी जो था ये भी काफ़ी सुचारू रूप से क्या हुआ कि लोगों को पता नहीं होता जब वो कोठी बनाते हैं तो ये क्या होता है, प्लम्बर कई बार क्या करते हैं इस सेक्टर के दोनों साइड में मेन हॉल होते हैं जिनमें एक तरफ सीवर होती है एक तरफ वाटर सप्लाई होती है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे सीवर का कनेक्शन होता है स्टोरम वाटर में ठोक देते हैं, तो उससे क्या होता है सीवर का पानी भी बरसाती पानी के अंदर अंदर चलता रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो समस्या है, समस्या से घिरे सेक्टर थे, अब जैसे जो जो संज्ञान में आता है, अब आबादी हो गई है, पब्लिक की शिकायत होगी, पहले इतना मीडिया नहीं था, आज की डेट में मीडिया भी है, ये सेक्टर भी डेवलप हुए हैं पिछले 8-10 सालों में, काफ़ी अच्छा विकास सरकार द्वारा किया गया। एक है कि जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, क्या बारिश में काम चलेगा तो सड़कें मजबूत रहेंगी? ऐसा है जी, जो बारिश के अंदर क्या होता है इसमें हर एक चीज़ की क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है। अभी बारिश का सीजन होने के कारण अभी तार को अभी इसका क्या होता है, जैसे आपकी सड़कें हैं जो ये बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत में है, अभी इनको नीचे का बेस तैयार करेंगे, बकायदा इसकी सारी मशीनरी आ चुकी है, कल परसों से आप देखना इसका डे नाइट जोर शोर से काम चलेगा, ताकि एक्चुअली सेक्टर की मेन सड़कें होने के कारण हर एक सेक्टर पब्लिक का ध्यान इन सड़कों की तरफ। विशाल जी, जैसे विजडम स्कूल है या आयुष यूनिवर्सिटी है या सेक्टरों के घर है, ये सारे लोग परेशान हैं इन सड़कों की खस्ता हाल के कारण, तो इन लोगों को कब तक उम्मीद है कि कब तक ये सड़कें जो है बढ़ जाएंगी, कितने दिन में आप मानते हो टारगेट लेके चल रहे हैं? देखो ऐसा है जी, अब भगवान को तो कोई रोक नहीं सकता, तो बाकी अगर परमात्मा थोड़ा साथ देगा तो हमारा जो टारगेट है इसको 15-20 दिन में सड़कें बनाने का है। ठीक, विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, चुनावों के पास ही ये टेंडर पास किया गया है, इसके बारे में बयान कीजिए, उससे पहले नहीं? ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि सरकारी प्रक्रिया होती है, अब क्या होता है ना जी, अब एस्टिमेट चलते हैं, फंड का इशू होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, तो ये सरकारी प्रक्रिया है, उसमें अंदर आजकल आप देख रहे होंगे ऑनलाइन प्रक्रिया होती है टेंडर की, उसमें क्या होता है जितने भी ठेकेदार पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका भी एक ऑब्जेक्शन का टाइम दिया जाता है, क्या होता है कि अब मान लो मैंने काम ले ली, अब सरकार ने एक नियम बनाया, एक ठेकेदार का भी आपने पिपली रोड देखी होगी पिछली बार क्या हालत हुई थी उसकी, कोई नलायक ठेकेदार आ जाता है, कितनी जनता को असुविधा हुई, कितने लोग मरे,
तो सरकार ने उसके बाद कुछ नियम बनाए कि मेरी अगर 5 करोड़ की कैपेसिटी है, 10 करोड़ की कैपेसिटी है, तो आजकल ऑनलाइन पोर्टल पे ही है सारी चीज़ें, ताकि कोई ठेकेदार गलत नजायज फायदा ना उठा सके। जैसे आपने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल में कोई गड़बड़ी नहीं होती, लेकिन जो मटेरियल होता है, मटेरियल में भी गड़बड़ी की शिकायतें आती रहती है कि मटेरियल अच्छा नहीं लगाता ठेकेदार जो है, या काम सही नहीं होता, जिसके कारण जो है जल्दी सड़कें टूट जाती है, इसमें क्या सच्चाई है? इसके अंदर कोई ऐसा है नहीं, अब सड़कों के अंदर इसकी जाँच होती रहती है मटेरियल के, जो काम आप करते हो ऐसा है, इसके लिए बाकायदा विभाग के अतिरिक्त एक प्राइवेट थर्ड पार्टी होती है, जिसमें उनके अपने इंजीनियर होते हैं, जो बाकायदा अपनी ही मर्जी से सड़क की गुणवत्ता की जांच करते हैं, कौन सी जगह सैंपल भेजते हैं जिसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं होता, वहाँ की सैंपल पास होने के बाद ही हमारी भुगतान किया जाता है, जिसका बाकायदा ऊपर अधिकारी भी निरीक्षण करते हैं। और बाकी रहेगी मटीरियल गुणवत्ता की जाँच, आज के युग में, आज की डेट में हर किसी के पास कैमरा है, हर किसी के पास वो है, तो जब मर्जी जाके अपना काम को देख सकता है। बाकी रहेगी बात गुणवत्ता की, तो 3-3, 4-4 साल की ठेकेदारी की जिम्मेवारी होती है यदि कहीं से सड़क टूट जाती है, तो इसलिए वैसी है, कोई ठेकेदार नहीं चाहेगा कि उसको दोबारा सड़क रिपेयर करनी। कितने में टेंडर हुआ?